जमात सत्वी पाठ नंबर दो धरती दा अंदरूनी अते बाहरला रूप। साड़ी धरती सूरज परिवार दा एक ग्रह है। सारे ग्रहां विच्चों धरती ही एक अजेहा ग्रह है जिथे जीवन संभव है। धरती दी सतह ते तब्दीलियां आंदियां रहंदियां हन क्योंकि अंदरूनी अते बाहरलियां शक्तियां क्रियावां करदियां रहंदियां हन। धरती दा ए रूप जो अज दिखाई देंदा है पहला इस तरह दा नहीं सी। धरती दे रूप विच हर रोज कुछ ना कुछ तब्दीलियां हुंदियां रहंदियां हन। आओ अज आपां धरती दे अंदरूनी अते बाहरले रूप नू विस्तार नाल जानिए। सब तो पहला अंदरूनी रूप। साड़ी धरती दियां तीन परतां हन। सब तो उपरली परत चापड़ जां क्रस्ट। चापड़ तो अगली परत मेंटल। धरती दी तुर अंदरूनी परत केंद्री भाग जां कोर। सब तो पहला चापड़ जां क्रस्ट। इस परत विच सानू धरती अते समुंदर पाप जल अते थल भाग दिखाई देंदा है। महाद्वीपी भाग नू उपरली परत अते समुंदरी भाग नू हेठली परत कहा जांदा है। समुंदरी भाग दे चापड़ दी मोटाई 5 किलोमीटर अते थल भाग दे चापड़ दी मोटाई 35 किलोमीटर तक हुंदी है। पहाड़ा ते इस दी परत 70 किलोमीटर तक हुंदी है। इस परत विच सिलिकॉन अते एल्यूमीनियम दे तत होण करके इस नू सियाल कहा जांदा है। मेंटल चापड़ तो हेठले भाग नू मेंटल कहंदे हन। इस दी औसतन मोटाई धरती दे तुर अंदर 2900 किलोमीटर है। इस दे दो भाग हुंदे हन, उपरला मेंटल भाग अते हेठला मेंटल भाग। इथे तापमान ज्यादा हुंदा है। एह गाढ़े लेसदार तत्तां तो बनिया हुंदा है। इस परत विच सिलिकॉन अते मैग्नीशियम दे तत्त कारण इस नू सीमा कहंदे हन। केंद्री भाग जां कोर धरती दे सब तो अंदरूनी भाग नू केंद्री भाग जां कोर कहा जांदा है। इस दे भी दो भाग हन, बाहरला केंद्री भाग अते अंदरला केंद्री भाग। इस विच निकल अते लोह तत होण करके इस नू नाइफ कहंदे हन। चट्टाना ओ सारे पदार्थ जिन्हां तों धरती दा चापड़ बनिया है उस नू चट्टान कहंदे हन। निर्माण दे आधार ते चट्टाना दियां तीन किस्मां हन, अग्नि चट्टाना, तहदार चट्टाना अते रूपांतरित चट्टाना।
मिट्टी तरातल उत्ते मिलन वाले हल्के टिल्ले असंगठित चट्टानी चूरे अते बारीक जीवांश दे मिश्रण नू मिट्टी कहा जांदा है। मिट्टी विच पौद्यां नू जन्म देन दी शक्ति हुंदी है। मिट्टी दी निर्माण क्रिया। मिट्टी बनन दी क्रिया बहुत हौली ते लंबा समा लेंदी है। मिट्टी दी एक तय बनन लई हजारा साल लग जांदे हन। मौसमी क्रियावां अते रसायनिक क्रियावां धरती दे हेठां दियां चट्टानां नूं तोड़ फोड़ के चूरा बनांदे हन। इस चूरे ते जो बनस्पति हुंदी है ओ वी गल सड़ के बारीक हुंदे होए नाल मिल जांदी है। इस दे नाल ही जीव जंतुआं दे पिंजर अते हड्डियां वी गलन सड़न तो बाद इस विच शामिल हो जांदे हन। इना तो इलावा इस चूरे विच रहन वाले कीड़े गंडोए बैक्टीरिया आदि भी अपनिया जैविक क्रियावां द्वारा नवी मिट्टी दा निर्माण करदे रहंदे हन। अगे है मिट्टी दिया किस्मां। जलोड़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मारुथली मिट्टी, पर्वती मिट्टी। नंबर एक, जलोड़ मिट्टी। जलोड़ मिट्टी देश दे कुल खेतरफल दा 24% हिस्सा घेर दिया हन। ए ज्यादातर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पच्छमी बंगाल आद राजा विच मिल दिया हन। इना खेतरां तो इलावा इना दा विस्तार असाम, मध्य प्रदेश अते उड़ीसा विच भी मिलदा है। ए मिट्टी बहुत ही उपजाऊ हुंदी है ते इसलई इस मिट्टी दे खेतरां नू देश दे कणक ते चौलां दे कटोरे भी आख्या जांदा है। काली मिट्टी। ए मिट्टियां देश दा 5.5 लाख वर्ग किलोमीटर खेतर घेर दिया हन। इना दा विस्तार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश अते कर्नाटक तक त्रिपुज आकार विच फैलिया होया है। इना तो इलावा ए मिट्टियां राजस्थान दे बूंदी ते टांक जिले विच भी मिल दिया हन। ए मिट्टियां बहुत ज्यादा उपजाऊ ते व्यापारक फसलां जिवें कि कणक, गन्ना, अलसी, सूरजमुखी, कपाह आदि फसलां लई लाहेवंद ते टुकवियां हुंदियां हन। नंबर 3, लाल मिट्टी। ए मिट्टियां लगभग 2 लाख वर्ग मील दे खेतर विच फैलियां हुईयां हन। इना दा विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश
तेलंगाना, उड़ीसा, बिहार आदि राज्यां विच है। इस तो इलावा लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश दे दक्षण पूर्वी खेतर अते राजस्थान दे अरावली पर्वतां वाले खेतरां विच मिलदी है। नंबर 4 लेटराइट मिट्टी। ए मिट्टियां देश दे केवल 4% खेतर विच मिलदियां हन। इना दा विस्तार मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पच्छमी बंगाल ते केरल दे भागां विच है। इना मिट्टियां विच काजू दी पैदावार वध कीती जांदी है। नंबर 5 मारुथली मिट्टी। ए मिट्टियां देश दे लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर दे खेतर विच फैलियां हन। इना दा विस्तार पच्छम विच सिंध नदी तो लेके अरावली पर्वतां तक जो कि राजस्थान विच हन, दखनी पंजाब अते दखनी हरियाणे तक मिलदा है। सिंचाई दी मदद नाल रेतलियां मिट्टियां विच जवार, बाजरा, कपाह, गन्ना अते सब्जियां उगाईयां जा सकदियां हन। पर्वती मिट्टी। ए मिट्टियां कुल मिट्टी खेतर दे 7.2% हिस्से विच मिलदियां हन। इना दा विस्तार आसाम, लद्दाख, दार्जिलिंग, देहरादून, गढ़वाल आदि खेतरां विच है। इना तो इलावा दक्षण विच नीलगिरी दियां पहाड़ियां विच भी ए मिट्टी पाई जांदी है। पोखरण। भारी वर्खा, चलदा पानी अते हवा मिट्टी दी उपरली परत नूं खोर देंदे हन। इस नूं पौख हुरन दी क्रिया कहा जांदा है। वधेरे रुख लगा के मिट्टी नूं खुरन तों बचाया जा सकदा है। खनिज पदार्थ। धरती नूं पुट के कड्डे जाण वाले पदार्थां नूं खनिज पदार्थ कहंदे हन। ए चट्टाना बनाउण वाले पदार्थ हुंदे हन। खनिज पदार्थां नूं 3 भागां विच वंडिया जा सकदा है। तात्विक खनिज जिवें कि लोहा, अतात्विक खनिज जिवें कि अबरक ते शक्ति खनिज जिवें कि पेट्रोलियम। आओ इना खनिज पदार्थां नूं विस्तार नाल समझिए। लोहा। ए लोहा धरती दे हेठां खाना दे विच कच्चे लोहे दे रूप विच पिया हुंदा है। ए कच्चा लोहा धरती दी उपरली तह जिस ते असी रहंदे आ उसदा 5% हिस्सा है। ए बहुत ही सख्त धात है अते चुंबक वल आसानी नाल खिचिया जांदा है। इसदा रंग सुरमे रंग तो लेके लाल रंग तक हो सकदा है। एक छोटे किल तो लेके वड्डे वड्डे समुद्री जहाजा तक इस दी वरतों हुंदी है। मशीनरी दा निर्माण लोहे उपर ही निर्भर है। ए लोहा अपने भारत विच बिहार, उड़ीसा वर्गे राज्यां विच मिलदा है अते संसार विच ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील विचों कढ़िया जांदा है। तांबा। धात युग दा आरंभ तांबे तो होया सी। इस विचों बिजली दा प्रवाह बहुत वधिया हुंदा है। इसे लई इस धात नूं बिजली दियां तारां अते बिजली दे उपकरण बनाउण लई वरत्या जांदा है। उंज तांबे तो भांडे, सिक्के आदि भी बनदे हन। तांबा संसार विच संयुक्त राज अमरीका, रूस आदि देशां विच मिलदा है ते भारत विच झारखंड, मध्य प्रदेश वर्गे राज्यां विच मिलदा है। बॉक्साइट। इस तों एल्यूमीनियम प्राप्त कीता जांदा है
जिस दी वरतों हवाई जहाज बनाउण विच कीती जांदी है। इस तों बिना एल्यूमीनियम दे बर्तन, रेल गड्डियां, मोटरां, बसां, कारां अते बिजली दियां तारां बनाउण विच भी कीती जांदी है। बॉक्साइट सफेद जां गुलाबी रंग दा हुंदा है। भारत विच उड़ीसा अते गुजरात विच मिलदा है ते संसार विच ऑस्ट्रेलिया ते गिनिया विच मिलदा है। मैगनीज एक अजेहा धातु खनिज पदार्थ है जो कि सख्त होण दे नाल नाल पुरपुरा भी हुंदा है। ता ही मैगनीज तो सिद्धे रूप विच कोई भी चीज नहीं बनदी। इसनू कच्चे लोहे विच मिला के स्टील बनाया जांदा है। मैगनीज चांदी सुरमे रंग दा हुंदा है। एह ब्लीचिंग पाउडर, कीड़े मार दवाइयां, रंग रोगन ते शीशा बनाउण लई वरत्या जांदा है। ए भारत विच कर्नाटक, उड़ीसा अते संसार विच जिम्बाब्वे ते भारत विच मिलदा है। अबरक, अबरक एक अतात्वी खनिज होण कारण बहुत महत्वपूर्ण है। इस दी वरतों बिजली दा समान, रंग रोगन, कागज, पारदर्शी चादरां विच हुंदी है। एह बिजली दा कुचालक है। संसार विच साडा देश भारत अबरक पैदा करण विच पहले स्थान ते है। ते भारत विच झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान अबरक पैदा करण वाले प्रमुख राज हन। कोला, कोला प्रमुख शक्ति खनिज है। ए एक जलनशील पदार्थ है ते इस दी वरतों वड्डे वड्डे उद्योगा अते रेल गड्डियां नू चलाउण लई हुंदी है। संसार विच कोला मुख तौर ते यूएसए अते चीन विच मिलदा है ते साडे भारत विच झारखंड अते छत्तीसगढ़ वर्गे राज्यां विच मिलदा है। खनिज तेल चालक शक्ति दा मुख साधन है। पेट्रोलियम चालक शक्ति ओ शक्ति हुंदी है जिस नाल साडियां मोटर गड्डियां चलदियां हन। धरती हेठों कढ़िया जाण वाला कच्चा तेल खनिज तेल अखौंदा है। इस नू तरल सोना भी कहा जांदा है। ए असाम अते अरुणाचल प्रदेश वर्गे राज्यां विच ते संसार विच एह यूएसए, रूस, ईरान ते इराक वर्गे देशां विच मिलदा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ए सी धरती दे अंदरूनी अते बाहरी रूप दी विस्तृत जानकारी।